जिंदगी में कमाना है तो इज्जत कमाए, पैसा तो हमने जनाजा उठते लुटते देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चले कुछ अच्छा बनाने। अच्छा, आज बनाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको थैंक यू करना चाहता हूँ आपके यूजफुल फीडबैक्स के लिए। हाँ, आपने फीडबैक में मुझसे कहा था कि मेरे वीडियो में मेरी वॉइस क्लियर नहीं रहती, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा रहता है, साथ में लाइटिंग का भी इशू था। पर अब ये दोनों प्रॉब्लम मैंने रिजॉल्व कर दिए हैं और आपसे चाहूँगा कि अब इस समय मेरी वीडियो में अगर कोई इशू आपको दिखे तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें जिससे मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छा कर सकूँ। तो चलिए कुछ अच्छा बनाते हैं। तो ये है इंग्रेडिएंट्स हमारे रसेदार सब्जी के लिए जो झटपट तैयार हो जाती है। 3 मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटोज ऐसे रफली कटे हुए, 2 बड़े साइज के टमाटर रफली कटे हुए, ना बड़े ना छोटे, 4 से 5। आज हम बात करेंगे ऐसे रसेदार सब्जी की जो बिल्कुल पानी जैसी रहती है पर खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये जल्दी बन भी जाता है और इसके इंग्रेडिएंट्स हमेशा हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। ये आप तब बना सकते हैं जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो, और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बनाते तो हैं, अच्छा भी बनता है नहीं भी अच्छा बनता है पर टाइम लगता है। ये बेसिकली एकदम 5 मिनट वाली रेसिपी है, फटाफट बनाइए, पकाइए और खाइए। ये चावल, रोटी या पराठे जिसके संग खाएंगे सबके संग अच्छा लगता है। मेरी ये मम्मी का फेवरेट रेसिपी है, वो बनाती रहती हैं और मैं उनसे बार बार कहता रहता हूँ मम्मा प्लीज़ बनाओ प्लीज़ बनाओ, तो वो बनाती रहती है और मैं खाता रहता हूँ, और साथ में आप भी बनाओ आप भी खिलाओ। तो चलिए बनाते हैं फिर। सबसे पहले हम अपनी लोहे की कढ़ाई गैस पे रख देंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और वेट करेंगे कि वो गर्म हो जाए। गर्म होते ही हम उसमें मेथी के दाने और अपने कटे हुए हरे मिर्च जो हमने लंबे लंबे काट के रखे थे रफली, उसको उसमें डाल देंगे और फूटने तक का वेट करेंगे। जैसे ही वो फूट जाएगा तो उसमें हम अपने टमाटर और साथ में हल्दी नमक भी डाल देंगे जिससे वो जल्दी पके, और ढक के पकाएंगे जिससे हमारे प्रोसेस पकने का टाइम जो होता है वो कम हो जाए। आप सोच रहे होंगे मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का क्यों यूज़ करता हूँ। लोहे की कढ़ाई यूज़ करने का पर्पस मेरा बिल्कुल सिंपल है, लोहे की कढ़ाई में बने हुए जो भी रेसिपीज होते हैं उसका टेस्ट एकदम अलग आता है। तो आप भी यूज़ करें और हर बार जब यूज़ करें तो उसको अच्छे से धो लें, क्योंकि आप देखते हैं उसमें हर बार रस्ट आ जाता है। अब इसको हम टमाटर डाल दिए हैं, अब इसमें हम नमक और हल्दी डालेंगे और इसको ढक के पकाएंगे। जल्दी जल्दी हम इसको पका लेते हैं। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत टाइम नहीं लगती। फटाफट चीजें गलती हैं जैसे ही आप हल्दी नमक डालेंगे, तो इसमें हम ऑलिव डाल करके थोड़ा सा ऐसे ही पका लेंगे, ज्यादा पकाने। एक आपका एक वैरायटी ये भी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको रसेदार नहीं पसंद है, ऐसे भी ये खाने में बहुत मजा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके हम उबाल आने तक वेट करेंगे, इसको अच्छे से पका लें, इसका टेस्ट तभी उभर के आएगा। और इसमें इस समय हम 1 चम्मच अपना हींग का पानी डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से इस सब्जी की टेस्ट आती है। और लास्ट में धनिया। ये लीजिए, तैयार हो गई हमारी झटपट रसेदार आलू टमाटर की सब्जी। आप खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और उनसे अपने लिए तारीफ सुनें। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, क्या बात है, एकदम बढ़िया पका है। और मैंने थोड़ा रस्सा पका लिया था जिसकी वजह से ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है और खाने में इसीलिए मजा आता है।
पर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग मेथी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें, और इसकी इंग्रेडिएंट्स भी एकदम बेसिक है, तुरंत तुरंत बन भी जाती है। आपके पास अगर लिमिटेड टाइम हो तो इसको ज़रूर बनाएं और खाएं, अच्छा लगेगा तो आप भी मेरी तरह बार बार बनाते रहोगे। और साथ में फ्रेश कोरिएंडर लीव्स का यूज़ ज़रूर करें, उससे इसका फ्लेवर और बढ़िया आता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। तो चलते हैं, और याद रखिएगा बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अगर अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।